हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारी गाड़ी से रिलेटेड। और क्या होने वाला है, और जैसा कि मैंने अभी लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी गाड़ी में जो है माइलेज बहुत ही ज़्यादा कमा रही है, और मेरे को अब 3 साल भी हो गए गाड़ी को चलाते चलाते, और जो कि मैंने अभी 35,719 यानी कि 36,000 के करीब करीब ये जो है मेरी रनिंग हो चुकी है इसकी। तो इतने में क्या इंजन अच्छे से रमा वमा भी हो जाता है, और काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट भी किया है। तो इसमें जो है मैं अभी CNG इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ, तो जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह होगी जैसे भी होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के शेयर वीडियो ब्लॉग के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। और आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा क्या प्राइस बैठा, कितने की बैठी है, और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस आ रही है, और मैंने कहाँ से लगाई, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट तो करना ही करना है। तो चलो आज हम जा रहे हैं CNG लगवाने के लिए। और यार एवरेज के मामले में अगर मैं बताऊं तो एवरेज GL में इसका काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है, दैट्स वाई मेरे को CNG की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मैंने एक दो जने की अपने फ्रेंड्स की जो है कार भी जो है ड्राइव करके भी देखी है, तो अच्छी परफॉर्मेंस आती है, और जिस जगह से मैं लगवाने जा रहा हूँ तो वहाँ के भी फीडबैक्स काफ़ी अच्छे हैं। YouTube पे भी देखी थी मैंने वीडियो उनकी, और वैसे मिल के भी आ चुका हूँ। तो देखते हैं अभी कैसी परफॉर्मेंस वगैरह रहेगी अपनी गाड़ी की, तो मिलते हैं आप लोगों से अब सीधा सेंटर पे। तो जी भाई अपनी गाड़ी जा चुकी लगने के लिए, कर दिया डन, कर दिया डन। हाँ बैठ जाओ अंदर। तो भाई जी अब इंजेक्टर की प्लेसमेंट के लिए कटिंग हो रही है, छोटे छोटे इसमें से जो तार होते हैं वो काटे जाएंगे, और थोड़े छोटे छोटे इसमें ड्रिलिंग होगी अभी आगे। तो अपने यहाँ जो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और इसमें जो है 8 इंजेक्टर होते हैं, तो उसी हिसाब से 8 इंजेक्टर की इसमें किट लगेगी, जो कि मोटोजन की लगेगी इसमें किट विद डायनेमिक। और परफॉर्मेंस वगैरह जैसी भी आएगी मैं आप लोगों को बताऊँगा, अभी काम चालू हो चुका है अपनी गाड़ी में। दिक्कत तो रहती ना आगे पीछे फिलिंग विलिंग में। ये भैंस हमारे पास आया, ये इंजेक्टर होते हैं, ये है तो गाइस ये अभी स्पेस अपने बूट में, जो कि अभी सिलेंडर नहीं लगा है, और सिलेंडर लगने कितना स्पेस बचेगा वो भी दिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। तो एक जो मैं फिलिंग होल अपनी अभी बैक साइड में भी लगवा रहा हूँ, जो अपना ये होता है पेट्रोल वाली साइड। लो जी कंप्लीट, 20 रुपए का, 30 रुपए का, ये क्या रहा है, ऐसे ले ठीक है, चलो तो इतने बैक फिलिंग होल में वो होल वगैरह करने हैं, तो इतने हम अपना थोड़ा सा टाइम पास कर ले। तो भाई 3-4 घंटे लग जाते हैं CNG प्रोसेस में, इतने भूख लग गई तो हम अपना पंचिंग कर। तो ये यहाँ पे अभी जो अपना मैट होता है जो बूट का, उसकी कटिंग कर रहे हैं सिलेंडर के जो एंगल है। तो फाइनली अपने जो आगे का प्रोसेस होता है CNG फिटमेंट का वो पूरा हो चुका है, और पीछे अपना सिलेंडर वगैरह भी रखा जा चुका है आराम से, और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा निकल गया है। गाड़ी आगे लेनी है, तो अभी किट लग चुकी है अपनी, और अभी CNG भरवाने जा रहे हैं, ठीक है, और अभी देखते हैं इसमें कितनी CNG वगैरह आएगी, कितनी आ जाएगी। 10 किलोमीटर 14 में भी 10 ही आएंगी, 14 में तो 12 तो आ करो,
पीछे वाले से भरवाएंगे ना। कैसे भरवाओ? बाहर निकलो, ये लो क्या होता है, तुम्हें ये लो नहीं होता है यार, ये बाहर निकलो होता है। बस यार पी एनजी लिखने के बाद ये दो तीन चीज़ों के वो रहता है कि एक तो गाड़ी से सबको बाहर उतरना होता है, लाइट वाइट सब बंद करनी होती है, ये भी अपने सेफ्टी के लिए होता है, तो ये चीज़ें हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, और जैसे भी फॉलो करने के लिए कहते हैं इंस्ट्रक्शन वो फॉलो भी करनी चाहिए। और अपनी गाड़ी में भी सीएनजी बननी स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं कितने की कितने के जी में सीएनजी आएगी। अभी 83 समथिंग का रेट चल रहा है गाज़ियाबाद में, देखते हैं अभी दूर होकर बनाते वीडियो। हर बार ही दूर होना होता है सीएनजी से, जब भरते हैं तो हर बार दूर होना होता है ना, हट सकता है ना सिलेंडर, शिफ्ट के लिए नहीं कह रहा मैं, गाड़ी से बता रहे ना आप, अलग गाड़ी से डिस्टेंस रखना चाहिए ना। हाँ वो चीज़ कह रहा हूँ, गाड़ी से डिस्टेंस रखना चाहिए ना। अच्छा ऐसा भी है, हुआ है कुछ ऐसा भी एक बार आई का तो पकड़ के नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि पकड़ के भरते हैं। फजी तो लगवा दिया, हाँ तो रिस्क तो होते ही है, ये सेफ्टी रखो बस। मुझे गाय अभी जो है अपनी हड़ी में भर चुके हैं, 864 की आई है इसमें सीएनजी, और अब ये कैसे पता चलेगा कि इस पर आ गई नहीं आ गई? अभी नहीं आएगी है, तब आएगी। अच्छा अभी आएगी नहीं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो हमारी अभी सीएनजी को ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं, वो भी कहते हैं मतलब, तो अभी सेट कर रहे हैं। मैं तो ड्राइव करते हुए नहीं, कौन देने अपना आई डोंट हैव अ बैटरी, बैटरी नहीं है तो पानी का हमने देखना है कभी इस पर मोस्टर को नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कूलर डेकोरेशन किया है ताकि इसका भी कूलर का संतुलन बना रहा है। और दूसरा पानी नहीं लगवाना है, इधर तो कितना भी लगवा दो आप, लेकिन ये इस प्लगों के अंदर नहीं मारना है, ठीक है भाई? और एक इस पर नहीं मारना, एक इस पर और एक इस पर, पानी लगवाऊंगी ना, पानी मतलब इधर से साइड से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इंजन का तो बिल्कुल नहीं मारना है आपको। नहीं मैं पानी नहीं लगाऊंगा तो, और आपको 10 से 12 लीटर पेट्रोल हमेशा रखना है, क्योंकि सीएनजी लगाने के बाद बहुत से भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, कंजूस में आ जाते हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ इसमें अगर पानी नहीं लगाऊं तो भी क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े से साफ करा दो, कपड़े से ड्राई कपड़े से वैसे साफ करा दो, हाँ गीला कपड़े साफ करा दो, और ये प्रेशर ये प्रेशर होता है ये हमारे लिए होता है, वैसे तो आप भी चेक कर सकते हैं कि प्रेशर होता है, जब भी हम गैस भराएंगे ये दिखाएगा 200 पे, जैसे मैं जब गाड़ी चलती रहेगी पीछे आता रहेगा, इससे आइडिया लग जाए कितना प्रेशर है गाड़ी का। और अगर कभी बाई चांस कभी ज़्यादा बता, अगर आपको लीकेज लग रही है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ये हाँ जैसे यहाँ पानी घुस रहा है जिसके वजह से वो गल भी रहा है, तो वो पानी अगर गलती से घुस के यहाँ वहाँ लग गया तो उससे कुछ नहीं होता है, वो भी नहीं है। ये बंद कैसे पता चलेगा, इस पर लिखा होता है ये रुक जाएगा, ये रुक गया, ठीक है चोरी है मतलब, तो इस टाइम से इंजन रुक गई, रुक गई, हमने कोई डाउट आ रहा है ना, खोलने का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बैक फिलिंग करवा रहे, अगर पेट्रोल पे चला दी तो इसे पुश कर दे बीच में, ठीक है ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, ये अब ब्लिंक करेगा अभी, ये वाला जो ऑरेंज बटन है अब ये इसे एक बार दबा दोगे ये ग्रीन हो गया, ना ये ग्रीन हो गया, जितनी बार भी बंद करके स्टार्ट होगे करोगे करने एक बार तो ये ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज रहेगा, ग्रीन भी हो गया, ग्रीन भी हुआ अभी, एक मिनट अभी नहीं, अभी रुकेगा, देखते गर्म होगी ना उसके बाद ही तो चलेगी,
हल्का सा एक एक्सीलेटर दे दो 5 सेकंड के बाद, ये लेके चलोगे अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है भाई, ये लेवल है 4-3-2-1 रिजर्व। जो खाली पड़ा हुआ वो ऑरेंज कलर का जल जाएगा, लाल कलर, रेड कलर का, वो आपका रिजर्व मिल गया। रिजर्व में कितनी चल जाती है? उसमें चल जाती है 20 से 25 किलोमीटर की, 20 से 25 किलोमीटर चल जाती है। और कुछ? और कुछ नहीं है, बाकी आपको बता दिया मैंने। और ये बैक फिलिंग बॉल वगैरह? बैक फिलिंग बॉल की लीजिए, चेक कर लेंगे भाई। ये बंद करने का, ये ठीक है, ये पूरा रुक जाएगा एक जगह। अच्छा, ये रुक गया। तो हमने सारी चीज़ें जानने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उसके बाद हमारी गाड़ी में जो है लीकेज चेक कर रहे हैं, ये पानी से जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब जगह लीकेज चेक की जाएगी कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे। सो जिस किसी को भी CNG वगैरह लगवानी हो तो मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ का एड्रेस, यहाँ मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। ये आपका पड़ेगा फ्लोर नंबर 99 शक्तिखंड इंद्रपुरम में, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ईजी ड्राइव थे, काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस है, और जिसको भी CNG लगवानी हो वो यहाँ पे आकर लगवा सकते हैं। हमारी गाड़ी में लग चुकी है किट और अब हम जा रहे हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। CNG के बारे में कई सारी अपडेट देनी है आप लोगों को, तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे के ब्लॉग्स में, तब तक सपोर्ट कीजिएगा। बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।